जून का महीना और ये देखें जी, एक रजाई, ये दूसरी रजाई, और इसके बावजूद रात में कितनी दफा सर्दी लगने की वजह से आंख खुली है। काफी सर्दी है यहाँ पे, तो अभी बाहर निकलता हूँ, रेडी होके फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको यहाँ के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ और बाहर के व्यूज भी दिखाता हूँ आपको। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم viewers, मैं हूँ अहमद अब्बासी जॉयफुल जर्नी टूर से। आज टूर लेकर पहुँचा हूँ नलतर वैली। यह हमारे टूर का आज चौथा दिन है, लिहाजा आज की सुबह हुई हमारी नलतर वैली में। 8000 फीट अबव है इसकी हाइट, और इस टाइम देखें यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ पे अभी लोगों ने बीज वगैरह लगाए हैं, फसलें वगैरह उगाना शुरू की हैं। तो अभी ठीक इंशाल्लाह 15-20 दिन बाद ये जितने भी साइड के पहाड़ हैं ये भी आपको ग्रीन होते हुए नज़र आ जाएंगे, और साथ में जब ये फसलें वगैरह उगेंगी तो इस नलतर के व्यूज़ और भी दिलकश होते जाएंगे। हम अपनी गाड़ी रिवो पर ही नलतर पहुंचे हैं और इंशाल्लाह ब्लू लेक तक हम इसी गाड़ी पर जाएंगे। माशाल्लाह इंतहाई पीसफुल, बहुत ही प्यारी और बहुत ही ठंडी जगह है। और इसके हवाले से अगर पहले आपको इसका रास्ता समझा दूं कि इसका यहाँ पे आप पहुँच कैसे सकते हैं, जैसे ही आप गिलगित से आगे निकलते हैं 20 से 25 मिनट सफ़र करने के बाद एक गांव आता है छोटा सा नोमल, रोड पे उसका बोर्ड भी लगा हुआ है नोमल का, और वहीं पे नलतर का बोर्ड भी लगा हुआ है। वहाँ से आप 4x4 जीप ले सकते हैं क्योंकि अपनी गाड़ी ऊपर नहीं आती। मेन रोड से ये गांव जो है नलतर, ये तकरीबन 17 किलोमीटर्स है। रोड पे काम चल रहा है, पक्का हो रहा है रोड, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ रोड। तो इंशाल्लाह मुमकिन है एक आध साल में ये इस गांव तक ये रोड नीचे से पक्का हो जाएगा, लेकिन फिर भी आजकल जब आप आते हैं तो नीचे आप अपनी गाड़ी छोड़ें, अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तो आप लेके आ सकते हैं, अगर 4x4 नहीं है तो आप अपनी गाड़ी नीचे नॉर्मल पे छोड़ें और वहाँ से आप दूसरी गाड़ी ले सकते हैं। 4x4 प्राडो जीप वहाँ पे खड़ी रहती हैं, वहाँ से आप ऊपर आ सकते हैं। ये तकरीबन 17 किलोमीटर्स का सफ़र है ऊपर नॉर्मल से नलतर वैली का। ये नलतर के रोड के कुछ हालात हैं, वैसे तकरीबन 1.5 घंटा नीचे से ऊपर तक लग जाता है, लेकिन आजकल क्यों चूंकि काम हो रहा है रोड पे, काफ़ी ज़्यादा मशीनरी काम कर रही है जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी देर बाद रोड ब्लॉक होता है। तो बहरहाल आप जहन में रखें कि 2 घंटे या 2.25 घंटे 2.5 घंटे नीचे से ऊपर तक लग जाते हैं। हाँ, अगर मशीनरी उस दिन काम नहीं कर रही और इस तरह ट्रैफिक को रोका नहीं जा रहा तो फिर तकरीबन बंदा 1.5 घंटे में बंदा नॉर्मल से नलतर पहुंच सकता है इजीली। तो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ पे लाजमी आए, और इसके लिए आपको ज़रूरी है अगर आप ऊपर नलतर में स्टे नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट ऊपर सतरंगी, क्योंकि इस नलतर गाँव से आगे 4 लेक्स 3 लेक्स भी हैं और आगे स्नो लेपर्ड भी है। अगर आप सारी लेक्स तक जाना चाहते हैं और सारी लेक्स करके आप चाहते हैं कि आप रात को वापस नीचे चले जाएं, तो फिर आपको मैक्सिमम नीचे से 8:30-9 या मैक्सिमम 9:30 बजे नॉर्मल से आपको 4x4 पे बैठ जाना चाहिए। बहरहाल अगर आप ऊपर नलतर गांव में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप स्टे करके उसके बाद आगे निकलें, तो फिर कोई इशू नहीं है, आप दिन को 2 बजे आएँ, 4 बजे आएँ, 5 बजे आएँ, नेक्स्ट डे आप सवेरे जाके उन लेक्स तक पहुँच सकते हैं और वो करके आप वापस नीचे जा सकते हैं। चंद एक होटल्स बने हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा होटल्स नलतर में नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के होटल्स भी अगर कहें तो वो भी नलतर में नहीं है। तो बहरहाल जब भी आएँ यहाँ पे रूम बुक करके आएँ। नलतर का सीज़न साल में टोटल 3 से 4 महीने का है, और लिहाजा इन 3 से 4 महीने में नलतर में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो ये भी मुमकिन है कि आप आएँ यहाँ पे रश हो बहुत ज़्यादा और उसके बाद यहाँ पे आपको रूम ना मिले, या फिर रश के दौरान यहाँ पे नॉर्मल रूम्स भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ का सीज़न भी बहुत शॉर्ट है, देख लें यहाँ पे ये जो फसलें, साल में टोटल एक ही फसल होती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें आजकल इन्होंने बीज वगैरह लगाए हैं, अभी तक फसल उगी नहीं है, अभी जस्ट ये बीज वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे। टोटल यहाँ पे 3 से 4 महीने फसल के भी, और साल में टोटल अपनी ज़मीनों से ये एक ही फसल ले सकते हैं ये लोग, या आलू की लें या मटर की लें या गंदम जो भी लें, बहरहाल साल में टोटल एक ही फसल ये लोग ले सकते हैं यहाँ पे। इस टाइम धूप निकली हुई है लिहाजा मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है, बहरहाल ये है कि
जिस टाइम आप यहाँ पे आते हैं रात में, यहाँ पे इंतहाई सर्दी होती है। आपको दिखाया मैंने, दो रजाइयाँ ओढ़ने के बावजूद भी रात को पता नहीं कितनी दफ़ा मेरी आँख खुली है सर्दी लगने की वजह से। और हवा रात को इतनी तेज़ चल रही थी कि तीन चार दफ़ा तो मैंने उठ के देखा है कि ऊपर छत है भी या उड़ गई है। बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी रात को, बारिश भी हुई हर साथ में। तो बहरहाल ये है कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो अपने साथ गर्म शॉल, गर्म टोपी और स्वेटर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लाजमी साथ रखें। प्रॉपर अपनी ड्रेसिंग रखें। यहाँ पे दिन में ये है कि अभी धूप है तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब अभी मुझे स्वेटर की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। और कोई ख़ास इतनी बड़ी मार्केट भी नहीं है यहाँ पे, ये देखें छोटी मोटी कुछ दुकानें जो अभी तक बंद पड़ी हैं। तो बहरहाल ये है कि अगर आपने एक आध दिन यहाँ पे रहना होता है, एक दो दिन, तो इतनी अशिया ज़रूरियात जो हैं वो मिल ही जाती हैं। बहरहाल ये है कि यहाँ पे कोई इतनी ख़ास मार्केट वगैरह नलतर में आपको नहीं मिलती। एक चीज़ यहाँ के हवाले से आपको और भी यूनिक बताता चलूँ, आप गिलगित में आते हैं तो वहाँ पे शिनाब बोली जाती है। गिलगित और नगर दोनों के दरमियान में ये टोटली डिफरेंट लैंग्वेज इनकी बोली जाती है यहाँ पे इस नलतर गांव में। यहाँ पे नलतर गांव में जितने भी लोग ये आबाद हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये लोग मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके आए हुए हैं और यहाँ पे तकरीबन उन्हें समझे कि 150-200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो बहरहाल ये मकबूजा कश्मीर से आए हुए लोग हैं और इनकी लैंग्वेज आज भी यहाँ पे गोजरी बोली जाती है यहाँ पे नलतर में। नॉर्मल से जब आप आगे निकलते हैं तो उधर भी शिना चलती है, उंजा में जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। फिर जब आप गिलगित में जाते हैं फिर भी शिना, और ये दरमियान वाली जो पट्टी है इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको वो गोजरी ज़बान है, कश्मीरी ज़बान। एक अखरोट का दरख्त, बहुत बड़ा दरख्त है माशाल्लाह, और अखरोट इस पे नहीं लगे हुए। बहरहाल इस पे जो ये पत्ते दांत साफ करने के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सैर करवाऊंगा परी लेक, ब्लू लेक, सतरंगी झील और स्नो लेपर्ड की। तो इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दें।